लक्ष्य मानवता का कल्याण है, हम सभी को इसके लिए समर्पित होना है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने अपने अभिनंदन की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उक्त बातें कही। उन्हें भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी द्वारा साहित्य सेवी सम्मान प्रदान किया गया। एक नजर में कार्यक्रम की झलक। जब से मैं बंगाल आया हूँ, राय जी की कविताओं का सुनने का कई मौका मुझे मिला। आनंद देती है उनकी कविताएं, कुछ सोचने को विवश भी कर देती है, और कुछ तो मन के अंदर इतनी गुदगुदी पैदा करती है कि जितना भी हम रोकना चाहें हंसी रुकती नहीं। ये उनकी लेखन शैली का प्रभाव है। डॉक्टर शंभुनाथ जी से भी कई गोष्ठियों में वार्तालाप करने का, मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इनके बारे में हमसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को हम भूला नहीं सकते। आज आपने मेरा भी सम्मान किया। मुझे पता नहीं मैं उस योग्य हूं कि नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने को कभी कभी नहीं माना। मन के अंदर जो भाव आए, जैसे आए, जिन शब्दों में आए और जिस संयोजना में आए, मैंने वैसे ही लिख दिया। लिखकर गुनगुनाते रहे, पंक्तियां बढ़ती गई और कभी जल्दी ही पूर्ण विराम पा गई। कविता पूर्ण हुई कि नहीं हुई इसकी मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति यह मेरे मन में प्रधान रहती थी। आपने उन रचनाओं को स्वीकार किया और इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल के सभी साहित्य प्रेमियों के प्रति बहुत आभारी हूं, क्योंकि यहां आकर मुझे यह पता चला कि मैं कवि भी हूं। कुछ लोगों का आग्रह भी अस्वीकार करना कठिन होता है। एक दो चार लाइनें जो मुझे याद है मैं सुना देता हूं। तिमिर कहीं कितना गहरा हो, तिमिर कहीं कितना गहरा हो, मन में दीप जला करता है, और कोई कितना रहे अकेला, मन में मीत बला करता है, कोई कितना रहे अकेला, मन में मीत बला करता है। तो मुझ पर प्रश्न उठाने वालों, मुझ पर प्रश्न उठाने वालों, मुझ पर दोष लगाने वालों, पीर भरे नैनों का काजल हिमगिरी बन पिघला करता है, पीर भरे नैनों का काजल हिमगिरी बन पिघला करता है। हमारा कोई भी वाचन और कोई भी अभिनंदन कृतज्ञता 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 और श्रद्धा से ही भरा हुआ है। जब तक राज्यपाल यहाँ थे, हमारी हर साहित्यिक
और सांस्कृतिक गतिविधि का लेखा जोखा रखते थे और हम चाहे जब उन्हें आवाज़ दें वो आधी रात को भी हमारी आवाज़ सुनते थे। सुन रहे हैं कि वे कलकत्ते से जाएंगे, लेकिन हमारा मानना है कि वे सिर्फ शारीरिक रूप से जाएंगे, मानसिक रूप से वे हम सबके हृदय में हमेशा रहेंगे।